कबूतर, चिड़िया, कौवे आपके घर पर आने लग गए हैं, घर के सामने आने लग गए हैं, या घर की छत पर अगर बैठने लग गए हैं, तो क्या है इनका राज? यदि आप भ्रम में हैं या आपको डर लगने लग गया है कि ये पक्षी एकाएक अचानक आपकी तरफ क्यों आ रहे हैं, तो जानिए इसका पूरा राज क्या है, इसका रहस्य क्यों ये आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। नमस्कार। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आपके घर पर, आपके घर की छत पर यदि पक्षी आने लग गए हैं, चिड़ियाएं आने लग गई हैं, कबूतर आकर बैठने लग गए हैं, और आपको ऐसा लगता है, आपके मन में डर है, किसी ने आपको बताया हुआ है कि कबूतर आपके घर पे नहीं आने चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान होता है, एक भूत प्रेत तंत्र मंत्र का साया जब आपके घर पर आने लग जाता है तो कबूतर आना शुरू हो जाते हैं, या ऐसी भ्रांतियां आपके मन में अगर बैठी हुई हैं, तो आज का ये वीडियो आपकी इस टाइप की भ्रांतियों को, भ्रम को दूर करने वाला है। हिंदू धर्म की माने तो हिंदू धर्म में हर भगवान के पास में एक वाहन है, और वो वाहन या तो जानवरों का है या पशु पक्षियों का है। यदि हम बात करें कार्तिक जी की, तो वो मोर पर सवार करते हैं, मोर पे सवारी करते हैं। अगर हम गणेश जी की बात करें तो उनके पास चूहा है। हम अगर भैरव बाबा की बात करें तो उनके पास कुत्ता है। माता लक्ष्मी की बात करें तो उल्लू है। तो ऐसे ही बहुत सारे भगवानों के जानवर, पशु पक्षी हमेशा वाहन रहे हैं, और इनकी कृपा हमारे ऊपर जब भी होती है, जैसे मान लीजिए आपने मछली देख ली, या आपने नंदी बाबा को देख लिया, नंदी बाबा के दर्शन कर लिए, तो आपका मन अंदर से प्रसन्न होने लग जाता है। लेकिन अगर आपकी छत पर जब कबूतर आने लग जाते हैं, चिड़ियाएं आने लग जाती हैं, तो आप डर जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा आपके दिमाग में बिठाया गया है कि पशु पक्षी आने से आपका समय खराब है, या आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है? तो मैं आपको बता देता हूं, आज के इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करने जा रहा हूं कि यदि आपके छत पर, यदि आपकी दुकान पर, यदि आपके घर के सामने या घर की दीवारी पर, चार दीवारी पर पशु पक्षी आके बैठने लग गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत 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 लाभदायी है, ये आपके लिए बहुत शुभ है, ये शुभ संकेत है कि आपका समय परिवर्तित होने वाला है। बहुत सारी मान्यताएं ऐसी हैं कि कबूतर अगर आ जाते हैं आपके घर पर तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने लग जाता है, वीरान जगह पे चमगादड़े आती हैं, वीरान जगह पर कबूतर आते हैं, ऐसी मान्यताएं बहुत बनाई गई हैं। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, शत प्रतिशत क्लियर कर रहा हूं कि अगर आपके द्वार पर या आपके छत पर या आपके घर में पशु पक्षी आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। अभी तक आप जितनी भी समस्याओं से जूझ रहे थे, या जो समस्याएं आपकी थी, और अगर आप उन पशु पक्षियों को आप दाना डालना शुरू कर देते हो, उनको भोजन देना शुरू कर देते हो, तो ये आपकी 99% समस्याएं हर लेंगे। कबूतरों को दाना डालना, चिड़ियाओं को दाना डालना मंगल का उपाय है। मंगल को बहुत प्रभावित करने के लिए, मंगल को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सॉलिड करने के लिए, अच्छा करने के लिए भी पशु पक्षियों को दाना डलवाते हैं, भोजन करवाते हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जिसमें आप पशु पक्षियों को भोजन डालिए, उनको चारा डालिए, उनको खाना डालिए, तो इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती है। तो जब आपके घर में या आपके छत पर अगर पशु पक्षी आने लग गए, तो ये आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो उनको भोजन दीजिए, उनके लिए पानी की व्यवस्था करके रखिए, इससे आपकी 99% समस्याएं एकदम से हल होने वाली है। बाकी माता वैष्णो देवी आप सब पर कृपा करेंगी। पशु पक्षियों को हमेशा दाना डालिए, हमेशा जितना आप दूसरों का जीवन सुधार सकते हैं, दूसरों का जीवन भर सकते हैं, दूसरों का पेट भर सकते हैं, उतना ही आपके ऊपर उसकी 100 गुना, 500 गुना ज्यादा आपके ऊपर कृपा होगी। जय माता दी।